Dear students, this is Praveen Kumar Gribal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis and this is as follows. In reference of a firm, the total cost function is given tc is equal to 5 lakh plus 400 q where q is equal to q is equal to

यहाँ आपको प्रॉपरली एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है एंड टी सी इज गिवन यू इक्वल टू फाइव लैख प्लस फोर हंड्रेड क्यू इसके साथ साथ आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पर टी आर फंक्शन निकालना है तो जो टोटल रिवेन्यू है इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। या आउटपुट्स इन यूनिट ठीक है अब यहाँ आपको पीक तो दैट इज गिवन यू इक्वल टू और क्यू के रिगार्डिंग एक वैल्यू दे रखी है फंक्शन दे रखा है आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी तो यहाँ आपका जो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी स्क्वायर ठीक है तो ये आ गया आपके पास टी आर अगर टी सी इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया और इसको मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हमें अगर जब प्रॉफिट चाहिए होता है तो प्रॉफिट यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से इसका फॉर्मला क्या होता है दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट यह हमें पता ही कि अगर हमें प्रॉफिट निकलना है तो इसके लिए हमें टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सप्ट्रैक करना पड़ेगा तब जाकर हमें प्रॉफिट अपटेन होगा अब हमें इसके रिगार्डिंग टी आर की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी स्क्वायर ठीक है ये तो आपको दे रखा है टी आर और माइनस टी सी की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे टी सी आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू फाइव लेख और प्लस फोर हंड्रेड क्यू ठीक है अब इसको से सब करके वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव पी स्क्वायर माइनस फाइव लैख एंड माइनस फोर हंड्रेड ठीक है अब इसके रिगार्डिंग इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं तो जो फाइनल इसमें निकल के आएगा आगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अच्छा ये माइनस इक्वल टू अब हमें करना क्या है ये हमारे पास जो क्यू दे रखा है इसको हमें पी में ही कन्वर्ट करना है तो क्यू के रिगार्डिंग जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव पी तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी स्क्वायर माइनस फाइव लैख माइनस फोर हंड्रेड और क्यू की जगह हम वैल्यू प्लेस करेंगे दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी ठीक है अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे सामने दैट विल बी एज फॉलोज दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव पी स्क्वायर माइनस फाइव लैख माइनस फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से करोगे तो पच्चीस छप्पास किया जाएगा आपके पास टेन लैख माइनस और माइनस प्लस जीरो पॉइंट फाइव फोर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जाएगा टू हंड्रेड पी ठीक है अब इस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी में टू हंड्रेड पी को ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपके पास टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इंटू पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव पी स्क्वायर माइनस फाइव यह है फिफ्टी थाउजेंड है फाइव फाइव लैख और ये आपके पास टेन लाख तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास फिफ्टीन लैख ठीक है ये आ गया आपका प्रॉफिट पाई ठीक है इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड अब हमें डिटरमाइन क्या करना है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस डिटरमाइन करना है यानी कि यहां प्रॉफिट क्या है मैक्सिमाइज है क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है तो यहां पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका ठीक है तो हमें टू टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी तो डिफ्रेंसिएटिंग इक्वेशन थ्री विद रेस्पेक्ट टू पी तो पी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यह आएगा डी पाई अपॉन डी पी P का डिफ्रेंसिएशन होता है वन तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ठीक है माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी स्क्वायर का डिफरेंस होता है टू इंटू पी और माइनस ये हो जाएगा आपके पास जीरो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो किस बराबर होता है जीरो बराबर होता है ठीक है तो इस तरह से जो आपका डी पाई अपॉन डीपी आया वो आ गया ट्वेंटी सेवन हंड्रेड माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि वन तो केवल पी बचेगा यहां पर इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर अगेन मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी के रेस्पेक्ट में तो जब हम पी के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी निकलकर हमारी ये जाएगा हमारा डी टू पाई अपॉन डी पी स्क्वायर या डी पी टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंस हो जाएगा जीरो और p का डिफरेंस हो जाएगा वन तो यहाँ पर पता आ गई माइनस वन और जब d2 जब सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है द फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर ठीक है और इसके लिए हमें कंडीशन क्या करनी पड़ेगी हमें डीपाई अपॉन डीपी को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा इट मींस डी पाई अपॉन डीपी इज इक्ल टू तो जीरो ठीक है डी पाई अपॉन डीपी की वैल्यू हो गई जीरो बराबर और डी पी की वैल्यू आपने करी थी दैट वाज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड माइनस पी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मतलब जो पी की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो ये तो आपके पास आ गया पहला आंसर यानी कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रिगार्डिंग जो प्राइस होंगे वो होंगे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो प्राइस तो यहां आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पर यूनिट यहाँ आपको मिल गया एक आंसर ठीक है अब मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट चाहिए तो इसके लिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे जो आपको दे रखी थी इन डे ऑफ क्यू क्या इक्वेशन थी वो आपके पास क्यू इजिकल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी ये तो क्वेश्चन थी यानी कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव अब पी के कितना रख दूंगा मैं यहाँ पर पी किया गया जाएगा सत्ताईस सौ ठीक है कैलकुलेट करिए इसको पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पास पॉइंट लगा के एक जीरो जाएगा जाएगा एक दो जीरो पाँच पैंतीस का पाँच तीन पाँच दस सौ तीन तेरह तेरह सौ पचास और माइनस कर दीजिए इसमें जो ना जीरो में से पाँच गया पाँच और ये बेचार चौदह चार में तीन गया एक चाथ और एक यानी कि जो आपके पास आउटपुट आया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वो आउटपुट आ गया इलेवन फिफ्टी यूनिट्स तो इस तरह से आपको ये सेकेंड आंसर मिल गया ठीक है अब पहला आंसर हमें ऑप्टेन हो गया हमें सेकेंड आंसर ऑप्टेन हो गया अब हमें थर्ड आंसर निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्राइस और आउटपुट की बात करूं तो फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जाएगा ठीक है तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग हम इक्वेशन हमने फॉलो करी थी दैट वाज़ द पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पी माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन लाख ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करी थी इसको नंबर थर्ड को अब हमें इसमें पी की वैल्यूज को पुट कर देना है केवल और हमारे पास आंसर आ जाएगा तो पी की वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इंटू पी की वैल्यू कितनी है आपके पास ट्वेंटी सेवन हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट फाइव भी कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये फिफ्टीन लैख ठीक है ये अगेन हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू जाएगी आपके पास फिफ्टीन लैक्स ठीक है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के स्क्वायर में पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड स्क्वायर माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव प्लस का इंटू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का स्क्वायर बचेगा ये और माइनस आ जाएगा आपके पास फिफ्टीन लाख अब जीरो पॉइंट फाइव इंटू का स्क्वायर होता है सात सौ उनतीस और दो जीरो का स्क्वायर यानी कि एक दो तीन चार तो ये वैल्यू आ गई आपके पास बहत्तर लाख और नब्बे हजार और माइनस करना है इसमें से पंद्रह लाख कोई बात नहीं पॉइंट फाइव का मतलब हाफ कर दें इसका मैं ना तो दो तीन छः दो चक्का बारह दो चौक आठ दो पंजे दस और एक दो तीन छत्तीस लाख पैंतालीस हजार की फ़िगर आ है हमारे पास और इसमें से माइनस करना है पंद्रह लाख को माइनस कर दिए इसमें से ना तो एक दो तीन जीरो तो जाए जाए जाएंगे यहाँ पर पाँच में से जीरो का जीरो चार में से हो गया चार छ में से पाँच गया एक और तीन में से दो गया एक इक्कीस लाख पैंतालीस हजार ये हमारे पास आ गया पाई ये पाई कैसे करेगा ये सौ करेगा मैग्जिम प्रॉफिट को और जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया रुपीज ट्वेंटी वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड तो इस तरह से हमें अपना तीसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो जाता है ओके थैंक यू